हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसन फायर सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हाइड्रोलिक्स होता है एक टॉपिक फायर में, तो हाइड्रोलिक्स से क्या तात्पर्य है और फायरमैन को हाइड्रोलिक का ज्ञान आवश्यक होता है क्या दोस्तों। और दो क्वेश्चन और है दोस्तों, कौन कौन से है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोलिक में प्रेशर से क्या तात्पर्य है और हाइड्रोलिक्स में हेड से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, इन टॉपिक पर हम बात करेंगे। ये चार टॉपिक है छोटे छोटे, तो दोस्तों इनका ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे पहले हाइड्रोलिक से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, फायर सर्विस में हाइड्रोलिक्स उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें स्थिर या बहुत बहते हुए पानी के संबंध में अध्ययन किया जाता है दोस्तों। और तो अब हम बात करते हैं कि क्या फायरमैन को हाइड्रोलिक्स का ज्ञान आवश्यक होता है दोस्तों, या जरूरी होता है, कंपलसरी होता है दोस्तों। कि बता दो कि आग बुझाने में अधिकतर पानी का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस पानी को अग्निस्थल पर उपलब्ध प्रयोग करने के लिए फायरमैन को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि आग पर कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, और किसी टैंक या तालाब में कितना पानी है और उसमें कितनी देर पंपिंग करता है, और इन समस्याओं को हल करने के लिए मशीन उपकरणों को पूर्ण क्षमता से प्रयोग करने के लिए फायरमैन को हाइड्रोलिक्स का ज्ञान आवश्यक होता है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोलिक्स में प्रेशर से क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो दोस्तों, एक वर्ग इंच पर पड़ने वाले पानी के भार को ही प्रेशर या दाब कहते हैं। ये दाब पौंडों में बताया जाता है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोलिक्स में हेड का क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो मैं बता दूं कि प्रेशर को मापने वाली स्थान से ऊपरी सतह तक की ऊंचाई को हेड कहते हैं, और ये हेड फीटों में बताया जाता है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं ये चार टॉपिक बता दिया है दोस्तों फायर हाइड्रोलिक्स के बारे में, तो आप इनको ढंग से अच्छे से समझे। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है फायर से रिलेटेड, तो आप वीडियो पर जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। हाँ, और दोस्तों एक बात बता दो कि जिसको भी फायर सेफ्टी के नोट्स चाहिए वो एक बार कमेंट जरूर करे, मेरे पास है दोस्तों, आपको उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।